एक ऐसा शहर जिसकी रक्षा करती हैं ये सात बहनें, और साथ ही मंदिरों का हजारों वर्ष पुराना इतिहास जानकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, नवरात्रों के दिनों में यह वीडियो जरूर देखिएगा। आप देख रहे हैं मंदिर दर्शन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहें। शारदीय नवरात्रे शुरू हो चुके हैं और इनमें देवी के नौ रूपों की पूजा की जाती है। यूं तो देश भर में देवी माँ के कई शक्तिपीठ मौजूद हैं, ठीक इसी तरह लखनऊ में भी देवी के कई मंदिर प्रसिद्ध हैं। इनमें से खास पांच देवी हैं, बड़ी काली, मनसा, संदोहन, मसानी और शीतला माता। कुशल कामना के लिए बाय बिहाय ये पांचों चौकटे जरूर चूमी जाती हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं इन खास मंदिरों की खास कहानी। दोस्तों, सबसे पहला खास मंदिर है बड़ी काली माँ मंदिर। दोस्तों, यह मंदिर चौक में दहला कुआं और बानवाली गली के बीच स्थित है। मंदिर का आसन बहुत ऊंचा है। कहते हैं कभी आदि गंगा गोमती इसके पास से बहती थी। वहीं मुख्य मंदिर के चारों तरफ कई छोटे छोटे और बड़े बड़े मंदिर हैं। इनमें से एक का शिखर गया शैली से बना हुआ है। इसकी स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी। इसके पुजारी भी गया के ब्राह्मण रहे हैं। मंदिर में रजत वेदी पर लक्ष्मी और नारायण की हजार वर्ष से भी पुरानी चतुर्भुज युगल प्रतिमा है। कुछ विद्वान इसे नर नारायण की मूर्ति मानते हैं, जो यही पुरातक अवशेष में मिलती थी। अगला है मनसा देवी मंदिर। बंगाल और बिहार में मनसा देवी की पूजा अर्चना का अधिक प्रचलन है। नागाकुल की अधिष्ठात्री होने के कारण मनसा देवी रहस्यमय व्यक्तित्व की स्वामिनी रही है। सराय महली खां के माहुलाल की चढ़ाई के पास मनसा देवी का प्राचीन मंदिर है। मंदिर के पास ऐतिहासिक जियालाल फाटक भी है और ये मंदिर बहुत ही खास है। अगला मंदिर है संदोहन देवी मंदिर। सिंधु वन लखनऊ का प्राचीन स्थल है। इस वन में एक तालाब था जिसके अवशेष संदोहन देवी मंदिर के पास मिले हैं। सरोवर के पास मौर्यकालीन मूर्तियां भी मिली थी। इनमें से कुछ अब भी मंदिर परिसर में है। संदोहन देवी मंदिर प्राचीन मंदिरों के भग्नावशेषों पर उपस्थापित नवनिर्मित भगवती मंदिर है। अगला मंदिर है शीतला मंदिर। दोस्तों, मेहंदी गज में शीतला देवी का प्राचीन मंदिर है। कहते हैं कि लवकुश ने इस मंदिर की स्थापना की थी, तब यह गोमती इस मंदिर के पास से बहती थी। जलधारा का प्राचीन मार्ग यही है, जिसका प्रमाण दरियापुर मोहल्ला है। और यहाँ की प्रमुख प्रतिमा मध्य काल के आक्रांताओं और प्रमुख प्रतिमा आज भी विराजमान है। यहाँ उसी की पिंडी की पूजा होती रहती है। मंदिर के परिक्रमा पथ में 10वीं सदी की उमा महेश्वर की भगन प्रतिमा भी मौजूद है। अगला है मनसा देवी मंदिर। शिव शमशान के देवता हैं, तो शिवनी भी शमशानी हैं। उन्हीं को मनसा देवी कहते हैं। स्वादगंज के मसानी माता का मंदिर खास तौर पर प्रसिद्ध है। आज भी यहाँ फूलों के साथ कौड़ियां चढ़ती हैं। मध्यकाल में भगवती की यह गुप्तकालीन प्रतिमा कदम के नीचे कुएं से मिली थी। साल 1883 में पुजारी मंदासीन माली ने इस मंदिर की नई रूपरेखा तैयार की थी। यहाँ पीतल के प्रवेश द्वार पर कलात्मक गणपति और राजलक्ष्मी उकेरे गए हैं, तो गंगा भी अपने वाहन मगर के साथ विराजमान है। अगला है भुयन देवी गणेशगंज। 19वीं सदी की शुरुआत में बादशाह नसीरुद्दीन हैदर के शासनकाल में पुराना गणेशगंज बस रहा था। तब इस जंगल के बीच एक मरघटा था। यहाँ खुदाई के वक्त पीपल के नीचे देवी की एक प्राचीन मूर्ति मिली। इसे छोटी सी मिठिया में स्थापित कर दिया गया। फिर इस भूमिया विग्रह को भुइन देवी के नाम से जाने जाने लगा। अगला है संकटा देवी। रानी कटरा के बड़ा शिवाला प्रांगण में बंदी माता की अत्यंत प्राचीन मूर्ति है। वंदनीय माता कही जाने वाली इस प्रतिभा के लोग प्रयत्न लाघव में बंदी माता कहने लगे। यहाँ संकटा देवी है और कश्मीरी ब्राह्मणों की ईष्ट देवी आघा देवी की मूर्ति भी है। तो दोस्तों, ये हैं वो सात बहनें जो इस शहर की रक्षा करती हैं।
कभी भविष्य में आपको इन मंदिरों के दर्शन करने का अवसर मिले तो इस अवसर को चूकिएगा मत। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मंदिर दर्शन को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।